हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी मेडिसिन डिस्कस की, काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं आपके, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल सा, बहुत ही आम लेकिन थोड़ा सा सीवियर है, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी रक्तचाप का कम हो जाना। दोस्तों, प्रेशर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि खून जिस भी धमनी में, जिस भी नस में दौड़ता है, उस पे वो कितना प्रेशर, कितना दबाव बनाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों, जब वो कम हो जाता है तो हमें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। इसके कॉज क्या हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, यही हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर का कॉज दोस्तों बहुत से कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला कारण लो हार्ट बीट हो सकता है। उसका दूसरा कारण हो सकता है हमारी बॉडी या डाइट में प्रॉब्लम होना, उसका सही न्यूट्रिशियस फूड ना लेना, और बहुत से ऐसी चीज़ें डे टू डे लाइफ में हम जो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? इसकी वजह से हमें, देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर अगर बॉडी में खून पहुंच नहीं पाएगा, अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो खून कहीं कहीं हमारा पहुंच, जैसे सर में नहीं पहुंच पाएगा। तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उनका सर दर्द, खासकर फीमेल्स, जो गर्ल्स मेरे पास आती हैं, फीमेल्स आती हैं, वो ये कहती हैं कि मेरा सर हमेशा दर्द रहता है। तो बहुत सी, मतलब कुछ डॉक्टर्स माइग्रेन की कह देते हैं, कुछ वो कह देते हैं, बहुत सी चीज़ें कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसका एक कारण ये भी है कि लो बीपी, बहुत से ऐसे कारण, पैरों में सूजन होना, हाथों में सूजन होना, लो बीपी की वजह से बहुत से ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैनेजमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए नमक वाली चीज़ें, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, नमक वाली चीज़ें हम ज़्यादा लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि चीनी से जुड़ी हुई चीज़, ग्लूकोज से जुड़ी हुई चीज़ बिल्कुल भी ना पिएं आप, नहीं तो बीपी कभी भी ग्रेड, मतलब अपग्रेड नहीं होगा, हमेशा लो ही रहेगा। तो चीनी और ग्लूकोज जैसी चीज़ें, बिल्कुल स्वीटनेस बिल्कुल अवॉइड करनी होगी आपको। तो दोस्तों, एक छोटा सा मैनेजमेंट था ये, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है दवा R58, जर्मन की R58 दवा है, आप देख लीजिए। R58 में दोस्तों एडेनिस पोर्नेलिस, कैल्वेरेलिया, मैजस, क्रेडगस, डिजिटलस, हेलिबोरस, स्काइलिया। दोस्तों, इसकी कीमत है ₹220। इसमें सारी मेडिसिन मिली है दोस्तों, जो आपके बीपी को ऐड करने में काम आएंगी। दोस्तों, और एक दवा आती है R44। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है, इसमें क्रेटिकस, लिकोरस, ओलियंडर, स्पार्टिन, स्कॉर्पियन और सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन मिली हैं दोस्तों। ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, दोस्तों ये दो ड्रॉप आपके लो बीपी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी कंट्रोल करेगी। मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके और बहुत ही प्रॉब्लम से सॉल्यूशन देती है। तो दोस्तों, होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लो बीपी की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।